कन्नौज के तिरवा में एक युवक नदी में डूब गया और जिसे नाराज लोगों ने कन्नौज तिरवा मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम को खुलवाने आए शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल का लोगों ने घेराव कर दिया और लोगों ने नदी में डूबे युवक की तलाश अभियान में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। हम पहले ही से लगाए थे, हमें थोड़ी घेर लिया। क्या क्या कह रहा था वो? उनका 20 साल का लड़का कोई नदी में डूब गया और डीएम और एसपी से बात की, वो पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, एसडीएम भी है घटना स्थल पर, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि डेड बॉडी यथाशीघ्र मिलेगी।